हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम दोपहर का 1:30 बज रहा है और निक्की और ये गए हुए हैं सगाई में। खाना पीना मेरा व्रत है, भंगो को मैगी बना के दे देती, तो लगभग खाना पीना हमारा सब कुछ निमट चुका है। खाने में वैसे कुछ बनाया नहीं था, बस भंगो के लिए मैगी बना दी थी। ये नाश्ता करके दोपहर की सगाई थी, तो दोपहर का लंच वहीं सगाई में ही करेंगे। तो यहाँ ये क्लिप है उससे अगले दिन की, जब आपसे बात हुई थी, और यहाँ मैं बना रही हूँ सैंडविच। इस टाइम हुआ है लगभग 9 बज रहे हैं और ये मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। जो रात में सब्जी बनाई थी उसी के मैं सैंडविच तैयार कर दूँगी। तो ये सब्जी मैंने मैश करके और ब्रेड के अंदर भर दिए, और थोड़ी सी जो पुदीने की चटनी रखी हुई थी पहले वो चटनी लगा के ऊपर से मैश की हुई सब्जी भर के, और मेरा टोस्टर गरम है तो मैं इसमें रख दूंगी और मेरे सैंडविच तैयार हो जाएंगे। तो इनका नाश्ता वगैरह हो चुका है और मेरा भी नाश्ता हो चुका है। मेरा व्रत है तो मैंने चलो एक लड्डू खा लिए थे, इन्होंने सैंडविच खा लिए और ये अपने काम पे जा चुके हैं, और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ मैं बेड शीट वगैरह बिछाऊंगी, यहाँ झाड़ पोंछ करूँगी कमरे में। तो अब शुरू होता है मेरा सफाई अभियान। तो यहाँ इस टाइम 1:30 बज रहा है और ये भी आ चुके हैं अपने काम से, और अब इनकी चल रही है सीरो के साथ मस्ती। सीरो हमारे घर में एकदम बिल्कुल एक घर के मेंबर जैसा ही रहता है, और इसके बिना हमारा किसी का भी मन भी नहीं लगता है। सभी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसके बाद हमारा यहाँ पर खाना वगैरह सब तैयार है, तो अब मैं इनके लिए खाना ले आऊँगी और ये खाना खाएँगे, और इनके साथ ही साथ मैं अपना भी खाना ले आऊँगी। बंकू कैमरे को देख के छुप रहा है। बेड के साइड में बंकू आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। बंकू और सीरो इधर दोनों कोने में घुसे हुए दोनों खेल रहे हैं। तो ये बंकू तो यहाँ मंडराता ही रहेगा जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और इसे आदत है, ये नहीं है कि कैमरा देख के ही, ये हमेशा ऐसे ही उछलता कूदता ही रहता है, और जहाँ हम बैठेंगे वहाँ इसे मतलब वहाँ से ये हिल ही नहीं सकता। और बड़े बेटे की पढ़ाई है बड़ी क्लास की, तो वो और कुछ उसका नेचर भी ऐसा ही है, वो मतलब थोड़ा शांत सा नेचर है उसका, और ये थोड़ा चंचल है, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता है, और बंकू का पूरा ध्यान हम पे रहता है। और ये है वो दहेज का सामान जो कि मैंने टाइटल में डाल रखा है। तो दरअसल ये हमारे नीचे जो भैया रहते हैं उनकी शादी है, लेकिन आना उन्हें था थोड़ा सा मतलब 2-4 दिन रुक के, और इन्हें अचानक ही सामान यहीं पे ला के रखना पड़ा। ये उसी दिन की क्लिप है जिस दिन वो सगाई का जिक्र मैंने किया था कि सगाई में गए हैं ये सब, तो इसी सगाई में गए थे, और ये अब सामान नीचे उतार के अपने मतलब जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें रखते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
वीडियो पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।